बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों ये थोड़ी सी मछली है तो मैं आज फ्राई करने लगा था, तो मैंने सोचा तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो ये मछली को मैंने, आप देख सकते हैं कि बारीक बारीक कट लगा दें साइड के ऊपर। इसको पहले हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैं नमक डालता हूँ, बल्कि इससे भी कम डालूंगा मैं, पूरा नहीं। थोड़ी सी लाल मिर्च और करीब हाफ टी स्पून चाट मसाला। इसके ऊपर मैं डालूंगा तकरीबन 1 चम्मच मैदा, फ्लोर नंबर 2। और इसके ऊपर मैं स्क्वीज करूंगा लेमन थोड़ा सा। ये हो गया। अभी हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि लेमन से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मिक्स कर दिया इसको मैंने। अभी इसको मैं करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा ताकि थोड़ा जो टेस्ट वगैरह अपने इसमें जो चीज़ें इसमें डालनी है उसका टेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाए। तो इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। थैंक यू जी। दोस्तों अभी मैरिनेशन को तकरीबन 2 आधा घंटे ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका जो ऑयल है ना वो अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। तो देखें ऑयल मैंने अच्छा गर्म कर चुका हूँ। अभी इसमें मैं ये मछली को डाल दूँ। दांतों अपने ख्याल करना है कि ऑयल है तकरीबन सारे के सारे मछली बिल्कुल पूरी आ जाएगी इसमें, तो मछली बिल्कुल थोड़ी मैं फ्राई कर रहा हूँ। दो पीस रह गए हैं, कोशिश करते हैं कहीं पे ये सेट हो जाए। जी हाँ, तो मछली अभी हमने इसमें डाल दी है। अभी इसकी आंच मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो अभी मैं इसको कवर कर देता हूँ और इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। तो अभी एक साइड तकरीबन इसकी फ्राई हो चुकी है, तो हम बड़े प्यार से इसकी साइड चेंज करते हैं। अभी हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए मजीद। अब देख सकते हैं कि तकरीबन फिश हमारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको साइड पे दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। अब देख सकते हैं मछली हमारी फ्राई हो चुकी है, मैंने प्लेट में बाहर निकाल ली है। ये सदाइन फिश है कि बहुत ही नाजुक होती है, इसको मतलब इतना आसान नहीं होता इसको कंट्रोल करना। तो मैंने कोशिश की है पूरी कि इसको जितना भी बेहतरीन तरीके से इसको निकाल सकूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।